क्लास 10th में जो बच्चों, ऑल द स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.6, यानी देखो जो प्रीवियस वीडियोस थे उसके अंदर हम यानी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम चल रहे थे, और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम यहां कंप्लीट कर चुके थे, और जिसमें हमारे को एलसीएम फाइंड करना था। फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, और इसका इसी क्रम में थर्ड क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर है थर्ड हमारे पास, और सेकंड थर्ड क्वेश्चन है 2x² - 8, 2x² - 8, एंड सेकंड है x² - 5x + 6, और इसमें फाइंड करना है इसका फाइंड द एलसीएम। क्या फाइंड करना है आपको इसमें? एलसीएम फाइंड करना है 2x² - 8 एंड x² - 5x + 6 में। तो फर्स्ट में हम क्या लेंगे, इसके फैक्टराइजेशन फैक्टर फाइंड करेंगे 2x² - 8 के। इसको हम ux, तो ux इज इक्वल टू है 2x² - 8। फर्स्ट में यहां से कॉमन फाइंड करो आपस में, तो कॉमन इज टू, बोथ में देखो कॉमन इज टू, तो टू कॉमन है, तो यहां से x² - 4। एंड अब इसके अंदर देखो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, यानी कि टू ब्रैकेट x² - 2 स्क्वायर। यानी अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज करें, a² - b² a² - b² इक्वल टू a+b एंड a-b। इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर इसमें यूज करेंगे, a+b एंड a-b। तो सो डेट टू ब्रैकेट फर्स्ट में क्या बनेगा, x+2 एंड सेकेंड x-2। तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट एक्सप्रेशन ux। एंड अब सेकेंड नंबर पे, तो सेकेंड है आपके पास x² - 5x + 6 के, तो इसको vx लेते हैं। vx इक्वल टू x² - 5x + 6। तो इसके फैक्टर करें फर्स्ट टर्म को, लास्ट टर्म से इंटू करो, तो 6 x² = 6x² एंड -5x, टू फैक्टर्स इसके ने 6x² के, तो टू फैक्टर्स क्या बनेंगे 3x * 2x एंड बोथ माइनस, तो -3x * -2x। इसके टू फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए, 3x एंड -2x + 6 एंड x². अब नेक्स्ट यहां से ग्रुपिंग मेथड का यूज करना है, एंड नाउ कॉमन, तो कॉमन इज x, एंड फर्स्ट में x² / x एंड x² / x इक्वल टू x, एंड सो डेट x - 3x / x 3x / x x कैंसिल 3। और नेक्स्ट यहां से हम कॉमन फाइंड करें, देखो नेक्स्ट नेक्स्ट में हम कॉमन लेंगे तो आएगा कॉमन 2 एंड -2x / 2 -2x / 2 इक्वल टू -x ओनली x एंड +6 / -2 इक्वल टू -3। ये -3, तो देखो यहां से कि बोथ ब्रैकेट्स आर इक्वल x - 3 एंड x - 3। तो सो डेट यहां से अगेन कॉमन फाइंड करें, तो x - 3 एंड रिमेनिंग x - 2। अब नेक्स्ट हम यहां से फाइंड करेंगे एलसीएम, तो यूएक्स है, यूएक्स इक्वल टू है 2 ( x + 2 एंड x - 2। नेक्स्ट है vx, ये यूएक्स है यहां, यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ux एंड सेकंड एक्सप्रेशन इज कॉल्ड vx। तो vx इक्वल टू x - 3 एंड x - 2। तो फर्स्ट में तो यहां कॉमन हम फाइंड कर सकते हैं, इसमें से एलसीएम में देखो जो कॉमन है वो लीजिए, तो कॉमन यहां से x - 2 एंड x - 2 एंड रिमेनिंग, अब तो रिमेनिंग 2 है यहां, x + 2 है और x - 3 है, और बोथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 ( x² - 4 इंटू x - 3, और अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 x² - 8 ( x - 3। तो देखो इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है, इनमें से कोई भी एक आंसर जो राइट है वो हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन थर्ड आपके कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर कौन से में चलेंगे अब हम, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम एंटर करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, फोर्थ
फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, बुक्स तो शायद सभी बच्चों के पास होगी, जो भी ओल्ड स्टूडेंट्स है उनसे आप ले सकते हो, या फिर न्यू बुक्स मार्केट में उपलब्ध है 10th क्लास की, और आपका 10th क्लास का कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, इस बात का ध्यान रखते हुए आप ओल्डर बुक्स भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है एक्स स्क्वायर माइनस वन, फर्स्ट एक्सप्रेशन, एंड सेकेंड एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वन ब्रेकिट एक्स प्लस वन, एंड थर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ये हमारे पास थ्री एक्सप्रेशन है, इसमें कितने एक्सप्रेशन है, इसमें थ्री एक्सप्रेशन है। अब यहां से हम फाइंड करेंगे फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट एक्सप्रेशन में इसके फैक्टर करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन के, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू, इसके अंदर हम आइडेंटिटी यूज करें, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बोथ टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर, बोथ टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर, सो दैट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन, तो इसके ये दो बढ़ गए एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन, फर्स्ट बढ़ गए, सेकेंड यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकेंड एक्सप्रेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन सॉरी ब्रैकेट एक्स प्लस वन, तो इसके यानी कोई भी फैक्टर्स नहीं होंगे आगे, तो इक्वल टू क्या लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स प्लस वन, और नेक्स्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके फैक्टर्स नहीं कर सकते, तो इसलिए ये सारा ऐसा ही आपको लिखा जाएगा आपके पास। थर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, अब इसका फाइंड करना है आपको एलसीएम, तो फर्स्ट में तो देखो इनमें से कॉमन आप फाइंड कर लो, तो इस क्वेश्चन में देखो कॉमन यहां पर कुछ भी नहीं है, तो इन दो में कॉमन है, इन टू एक्सप्रेशन में आपके पास कॉमन क्या है एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन यहां से कॉमन, तो रिमेनिंग एक्स माइनस वन, एंड नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। अब इनका हम प्रोडक्ट लेते हैं एक बार और, आप देख लीजिए एक्स प्लस वन कॉमन था इन बोथ में, तो यहां से एक्स प्लस वन, रिमेनिंग एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं अगेन, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। और अब देखो अगेन इनका प्रोडक्ट लेते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, यानी ये किस फॉर्म में आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपको चलना है इसमें, तो यहां से एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर एंड ब्रेकिट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। अब नेक्स्ट में देखो यहां से जब इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स फोर माइनस वन का स्क्वायर ऑलवेज वन एंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो सो दैट रिक्वायर्ड एलसीएम इक्वल टू एक्स फोर माइनस वन एंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और इस बार एग्जाम में 3.6 में से 100% क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, अभी तक भी बोर्ड एग्जाम में नहीं लिए, तो इनको नोट भी करना है, प्रैक्टिस भी आपको करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जिसका लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का, इसका पार्ट फिफ्थ, पार्ट फिफ्थ है 18 ब्रैकेट एक्स सिक्स एक्स फोर प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, यानी सिक्स एक्स फोर प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, एंड सेकेंड एक्सप्रेशन है आपके पास 45 ब्रैकेट 2x6 पावर 6 प्लस 3x5 प्लस x4। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन इज ux, तो ux इक्वल टू 18 6x4
प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट पेयर में से हम कॉमन फाइंड करें तो कॉमन यहां पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो कॉमन यहां पर क्या रहेगा, मिनिमम पावर्स वाला, जो मिनिमम है जो डिग्री, वो टर्म यहां पे क्या होगा, कॉमन होगा। तो मिनिमम डिग्री कौन सी है, यहां एक्स स्क्वायर। इस टर्म में मिनिमम डिग्री देखो यहां पर कौन सा आ रहा है, एक्स स्क्वायर। तो यहां से कॉमन लेंगे इनमें से तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर 18x² ब्रैकेट। अब इससे इसको डिवाइड करो, एक्स फोर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। यानी एक्स फोर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 6x² प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओनली एक्स, ओनली प्लस एक्स। एंड एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी सेम टर्म का, यानी यहां से कितना जाएगा कि जब सेम टर्म को हम डिवाइड करते हैं, सेम टर्म को डिवाइड करेंगे तो ओनली 1 आएगा, तो -1। अब अगेन इसके हम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग फैक्टर कर सकते हैं। तो 6x² एंड -1 के फैक्टर क्या होंगे, 6x² इनटू -1 को प्रोडक्ट ले, इनका मल्टीप्लाई करें तो 6x² आ गया माइनस का, और प्लस एक्स आया जिनका डिफरेंस एंड सम। तो 6x² के टू फैक्टर क्या आ जाएंगे, 3x एंड 2x। अब यहाँ प्लस का x है बिटवीन, तो प्लस के 3x एंड माइनस के 2x। प्लस के 3x में से 2x को लेस करेंगे तो प्लस का ओनली x। सो डेट 18x² ब्रैकेट 6x² एंड फैक्टर ऑफ x 3x माइनस 2x एंड -1। नेक्स्ट स्टेप कौन सी रहेगी, ग्रुपिंग मेथड एंड फाइंड करेंगे कॉमन फाइंड। तो 18x² कॉमन फाइंड करेंगे में ओनली 3x, 6x² डिवाइड बाय 3x ओनली 2x। देखो 3 2 6 x² कैंसिल तो 2x, तो 2x प्लस 3x डिवाइड बाय 3x, 3x डिवाइड बाय 3x ओनली 1 प्लस 1। एंड नेक्स्ट टर्म में देखो कॉमन यहां से कुछ भी नहीं है कॉमन, तो यह कॉमन क्या लेंगे हम, ओनली 1 इज कॉमन। तो यहां से 2x माइनस का साइन चेंज होके प्लस 1 एंड ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में देखो बोथ ब्रैकेट्स आर इक्वल, तो सो डेट अगेन कॉमन, तो इसमें अगेन कॉमन क्या आ रहा है, 2x प्लस 1 2x प्लस 1। तो 18x² ब्रैकेट 2x प्लस 1 एंड 3x माइनस 1, ये आ गया आपके पास ux के फैक्टर। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट vx के फैक्टर फाइंड करेंगे। तो vx इज इक्वल टू आपके पास 45 2x 6 प्लस 3x 5 प्लस x 4। तो इसमें से मिनिमम पावर्स या मिनिमम डिग्री आपके पास कौन सी है, x 4। तो यह कॉमन यहां पे क्या रहेगा, x 4। तो 45 x 4, अब देखो 2x 6 से डिवाइड करेंगे x 4 को तो 2x² 2x 6 2x पावर 6 बाय डिवाइड x 4 इज इक्वल टू 2x² 2x² और यहां से डिवाइड करेंगे तो प्लस 3x एंड प्लस 1। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग हम फैक्टर करें इसके, तो 2x प्लस x, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, 2x प्लस x, यानी 2x² प्लस 2x प्लस x, इनका सम करेंगे तो कितना आएगा 3x, एंड इसका प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा 2x² आपके पास एंड प्लस 1। अब नेक्स्ट इनमें से आप कॉमन फाइंड कर सकते हो, तो इनमें से कॉमन आपके पास आ जाएगा 2x, 45x4 कॉमन फाइंड करें 2x, तो 2x² को 2x से डिवाइड करेंगे तो ओनली x प्लस 1। नेक्स्ट यहां से कॉमन कुछ नहीं है तो 1 एंड x प्लस 1, और यहां से साइन नो चेंज रहेगा क्योंकि प्लस का साइन है ब्रैकेट से बिफोर, ब्रैकेट से पहले, यानी यहां कौन सा साइन है, प्लस का है, तो सो डेट इसके हम साइन चेंज नहीं करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में देखो अगेन कॉमन फाइंड करें, अगेन कॉमन आपके पास यहां क्या रहेगा, x प्लस 1, तो 45x4 x प्लस 1 एंड रिमेनिंग 2x प्लस 1। अब फर्स्ट में तो ये आ गया आपके पास vx, और vx इज इक्वल टू 45x4 x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1। अब इसमें फाइंड करना है आपको LCM, तो फर्स्ट में तो 18 एंड 45 का LCM फाइंड करो, जो डिजिट है उनका अलग से
फाइंड करेंगे 18 एंड 45 का एलसीएम। तो ये 5 से डिवाइड कर दें, सॉरी 3 से डिवाइड कर दें इसको, 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 15। अगेन 3 से डिवाइड हो सकता है तो 2 और 5, नेक्स्ट नहीं होगा तो इनका प्रोडक्ट ले लो, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 इंटू 3 90, तो 90। अब इनमें से देखते हैं तो कौन सी पावर लेंगे हम, यहाँ हाइएस्ट पावर एलसीएम में क्या लेते हैं, हाइएस्ट पावर एक्स फोर और एक्स स्क्वायर में हाइएस्ट पावर एक्स फोर। अब इनमें कॉमन फाइंड कर लो, 2x + 1 ये तो आ गया आपके पास कॉमन, एंड जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी यहाँ पे राइट करेंगे, तो रिमेनिंग क्या आ गया x + 1 एंड नेक्स्ट 3x - 1, और इसको एक सिक्वेंस से हम सेट कर सकते हैं, तो 9x4 फर्स्ट में x + 1 को राइट करेंगे, उसके बाद 2x + 1 एंड 3x - 1, तो ये आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड एलसीएम। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट है, और अब नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको फाइंड करना है एससीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम मींस क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स या लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फाइंड द एससीएफ ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप सेल्फ कर सकते हो, एक मिनट फर्स्ट क्वेश्चन को आप समझ लो, फिर सेकंड आपको सेल्फ करना है। फाइंड द एससीएफ a³ b⁴ फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन है आपके पास ab⁵ एंड थर्ड है a² b⁸ a² b⁸। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है a³ b⁴, सेकंड है ab⁵ एंड थर्ड है a² b⁸। इसमें फाइंड करना है आपको एससीएफ, तो एससीएफ में क्या देखते हैं हम, कॉमन पावर। तो यहां पर देखो कॉमन पावर, यहां पर a वाले में देखो a³ है 1 है और यहां स्क्वायर है, तो इनमें से कॉमन पावर कौन सी हो गई है यहां से a₁, यानी a⁻¹, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम, ओनली a, ओनली a। और अब यहां से देखते हैं 4, 5 और 8 में से, 4, 5, 8 में से कौन से हम यहां से लेते हैं, जो मिनिमम पावर है उसको हम लेते हैं एससीएफ में, यानी कॉमन देखते हैं इसमें, तो यहां से आ जाएगा b⁴। इसका आंसर क्या आएगा एससीएफ में, ab⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, जो आपको सेल्फ करते हुए खुद को करते हुए देखना है, 16x² y² ये क्वेश्चन आप राइट कर सकते हो, एंड सेकंड है इसमें एक्सप्रेशन 48x⁴z। ओनली इसमें से कॉमन ही लेना है, जो कॉमन नहीं है उसको नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। जिससे पावर्स में से देखेंगे तो ओनली x² आएगा इसमें कॉमन, और y² यहाँ पे कॉमन नहीं होगा, ना जेड कॉमन होगा, तो y² और जेड को रिमूव करेंगे, उसमें नहीं लेंगे एससीएफ में। अब नेक्स्ट देखो आप थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन थर्ड है आपके पास x² - 7x + 12। फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन है x² - 10x + 21 एंड थर्ड एक्सप्रेशन है आपके पास x² + 2x - 15। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन को भी फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, सेकंड को भी एंड थर्ड को भी, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन एंड थर्ड एक्सप्रेशन, इन बोथ एक्सप्रेशन को किससे लिखेंगे हम, फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग। यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन ux है, तो ux = आ गया x² - 7x + 12। तो इसके फैक्टर हम फाइंड करें, तो फैक्टर क्या होंगे 12x² के, जिनका सम ऑफ और डिफरेंस कितना है, -7x है, तो सीधी सी बात है -4 और -3 इसके फैक्टर रहेंगे, -4x और -3x इसके फैक्टर आ जाएंगे x² - 4x - 3x + 12। अब आगे ग्रुपिंग मेथड, अब इनमें से हम कॉमन फाइंड करें, तो कॉमन आपके पास यहाँ पे क्या आएगा x² और -4x में से कॉमन लेंगे तो कॉमन आ जाएगा ओनली x, एक्स कॉमन आ गया, तो यहां से x² - 4, यानी कि आपको x² को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x आपके पास, तो ये x आ गया, -4x को डिवाइड करेंगे x से
कैंसिल होके माइनस फोर, तो माइनस फोर। अब नेक्स्ट में हम कॉमन फाइंड करें 3x प्लस 12 में से, तो ओनली अभी डिजिट कॉमन है, कौन सी है वो 3 है, तो यहां से 3 आ जाएगी क्योंकि 3 की टेबल में आपको 3 भी मिलेगा और 12 में भी मिलेगा, तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा 3, एंड माइनस 3x को डिवाइड करेंगे माइनस 3 से, तो कैंसिल, ये आ जाएगा x आपके पास, एंड प्लस साइन है तो प्लस 12 को डिवाइड करेंगे माइनस 3 से, तो माइनस 4। यानी इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों में आपको क्या देखना है, बोथ ब्रैकेट्स आर इक्वल आने चाहिए, तब तो आपका राइट होगा। ब्रैकेट यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर दी है, गलती कर दी। अब नेक्स्ट यहां से हम अगेन कॉमन फाइंड करें, तो अगेन कॉमन आपके पास क्या जाएगा x माइनस 4 एंड रिमेनिंग x माइनस 3, ये आ गया आपके पास ux, ux आ चुका है आपके पास। सेकंड लेते हैं vx, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। अब इसके भी हम फैक्टर फाइंड करें, तो फैक्टर क्या बढ़ेंगे इसके माइनस 10x के, यानी 21x स्क्वायर आए जिनको प्रोडक्ट फैक्टर, और जिनको सम ऑफ और डिफरेंस कितना हो माइनस 10x, तो 7 और माइनस 3x, माइनस 7x एंड माइनस 3x इसके फैक्टर होंगे, तो vx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21। अब अगेन ग्रुपिंग मेथड, तो यहां से हम कॉमन फाइंड करें इसमें, तो कॉमन आपके पास से क्या होगा ओनली x, x आ जाएगा कॉमन, तो x माइनस 7। अब नेक्स्ट कॉमन यहां फाइंड करें नेक्स्ट में, तो कॉमन आ जाएगा 3, तो यहां से x माइनस 7, इसका देखो साइन यहां से मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि 3x डिवाइड बाय ओनली 3 तो x, एंड प्लस 21 डिवाइड बाय माइनस 3 इक्वल टू माइनस 7। अब नेक्स्ट अगेन कॉमन फाइंड करें, तो x माइनस 7 देखो बोथ ब्रैकेट्स आर इक्वल एंड x माइनस 3 रिमेनिंग x माइनस 3, ये आ गया आपके पास vx। और नेक्स्ट जो थर्ड है आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 के भी हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है देखो आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 15, और थर्ड को हम ले लेते हैं wx, जो थर्ड एक्सप्रेशन है इसको wx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब इसके में हम फैक्टर करें, तो फैक्टर आपके पास क्या होंगे यहां से माइनस 15 x स्क्वायर के, जिनको प्रोडक्ट इज सॉरी देखो जिनको हम सम ऑफ करें और जिनका डिफरेंस लें क्या आना चाहिए प्लस 2x आना चाहिए, तो इसके फैक्टर्स आपके पास क्या होंगे x स्क्वायर 5 और 3x, तो प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। अगेन इनमें से आप कॉमन फाइंड कर सकते हो, तो कॉमन क्या आ जाएगा ओनली x, एंड x स्क्वायर डिवाइड बाय x, x स्क्वायर डिवाइड बाय x इक्वल टू ओनली x, एंड प्लस 5x डिवाइड बाय x, x x कैंसिल प्लस 5। अब नेक्स्ट माइनस 3x माइनस 15 में कॉमन ले, तो ओनली 3 है यहां डिजिट में कॉमन, x यहां कॉमन नहीं है, सो डेट कॉमन कितना आ जाएगा ओनली 3, एंड 3x डिवाइड बाय 3 x एंड माइनस 15 डिवाइड बाय माइनस 3 प्लस 5, तो बोथ ब्रैकेट्स आर इक्वल, बोथ ब्रैकेट्स आर इक्वल। एंड नेक्स्ट अगेन कॉमन फाइंड करें, तो x प्लस 5, x प्लस 5 एंड रिमेनिंग x माइनस 3, तो यह आ गया डब्ल्यू एक्स। तो आपके पास v यानी देखो ux है x माइनस 4 और x माइनस 2, vx है आपके पास x माइनस 7 एंड x माइनस 3, और नेक्स्ट है डब्ल्यू एक्स थर्ड एक्सप्रेशन x प्लस 5 एंड x माइनस 3। तो अब और इनमें से आपको यहां से कॉमन फाइंड करना है, यानी फाइंड क्या करना है एससीएफ, तो यहां से हम क्या देखते हैं ओनली इसमें कॉमन टर्म फाइंड करते हैं, तो कॉमन टर्म यहां कौन सा है यहां पे x माइनस 3 x माइनस 3 एंड x माइनस 3 अमोंग द एक्सप्रेशंस, इनमें कॉमन टर्म है आपके पास x माइनस 3, तो ये आ जाएगा यहां x माइनस 3, तो सो डेट रिक्वायर्ड एससीएफ ऑफ x माइनस 3। तो इस प्रकार से इसमें ओनली आपको कॉमन फाइंड करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड के बाद फोर्थ और फिफ्थ, वो आपको सेल्फ करते हुए देखना है अपने नोटबुक में, आपको सेल्फ वो क्वेश्चन करनी है, वो क्वेश्चन को आप राइट कर लो फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन को, जो आपको सेल्फ करते हुए अपने नोटबुक में प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, आपको मेथड का पता भी चल जाएगा। क्वेश्चन फोर्थ है,
एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू सेकेंड एक्सप्रेशन है, सेकेंड एक्सप्रेशन एक्स प्लस थ्री एंड एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। तो देखो इस एक्सप्रेशन को आप कैसे सेव करोगे, एक्स प्लस थ्री डबल टाइम इसको राइट करना है एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस टू, और ऐसे ही सेकेंड को आपको राइट करना है एक्स प्लस थ्री एंड एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू। यानी कि देखो यहाँ स्क्वायर है जिसको डबल टाइम इंटू में हम शो कर सकते हैं, और ऐसे ही आप एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर है तो इंटू में, और अब आप यहाँ से इसमें कॉमन फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपके पास, आगे इसको और करना है, इस क्वेश्चन को आगे और करना है, इतना ही करके नहीं छोड़ना है, इसको कंप्लीट स्टेप आपको करनी है, क्योंकि अब स्क्वायर था तब मैंने आपको ये बताया, क्योंकि कई बच्चे इसको अपने आइडेंटिटी से यानी कि इसके एक्सपेक्टेड फॉर्म ले लेते हैं जो आगे जाके रॉन्ग हो सकता है, इसलिए आपको इस मेथड से डबल टाइम इसको राइट करना है। एंड थर्ड फिफ्थ क्वेश्चन है 24x4 - x³ - 2x2। अब इसमें से कॉमन फाइंड कर लेना है, फिर जो नेक्स्ट बचे उसको फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग आपको करना है। एंड सेकंड एक्सप्रेशन है इसमें 6x20 ( 6x6 + 5x⁵ + x⁴ ये आपको सेल्फ करते हुए चलना है। पहले भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एलसीएम वाले में, और इन बोथ एक्सप्रेशन का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। इसमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ आपको फाइंड करना है, और किस नो की आपको प्रैक्टिस भी करनी है घर पे भी